भाई ये पेटी में कितने किलो होगा? 14-15 किलो होगा। 350 बोल रहे हैं। 350 टमाटर की ये, हाँ 110। इसमें कितना किलो होगा एक थैली में? 12 किलो। 12 किलो। ये किस साइड की है, पंजाब की सिंध की, माल किस साइड के है? मेरे ख्याल से पंजाब की, तो पता नहीं है तुम्हारे को पंजाब क्यों होगा। अच्छा 12 किलो का है और 110 रुपये का है, छोटा है ये थोड़ा। हाँ ये तैयार है पूरा, ये कच्चा भी है, मिक्स है, कच्चा नहीं कर रहे कच्चा। अच्छा टमाटर 40 रुपये किलो, इतना महंगा क्यों है? अच्छा टमाटर महंगा है और बेकार वाला, वो तो 110 रुपये की पूरी थैली दे रहे हैं। अच्छा क्वालिटी में कम है। अच्छा ये किस साइड के, किस इलाके के? सिंध है। 40 रुपये किलो के हिसाब से, गड्डी कितने की है? ठीक है, धनिया ना, ये पुदीना है, वो धनिया। अच्छा पुदीना की कितने बोल रहे हो? 2.5 रुपये की। और ये कि कोई कस्टमर जैसे आपसे लेने आते तो कितनी मैक्सिमम कितनी देते हैं उसको? कम से कम 20 गड्डी लेते हैं, कोई 40 लेते हैं, कोई 200 गड्डी लेते हैं। कम से कम जो है 20 गड्डी है, इससे कम नहीं देते? अभी कोई आ जाता है उसको 10 गड्डी भी देना पड़ जाएगा। 10 गड्डी भी देते, कम से कम 10 गड्डी है। एक गड्डी आप बोल रहे 2.5 रुपये, 2.5 रुपये की। और इसके कितने बोल रहे? इसके भी यही रेट 2.5 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और ये ब्रोकली, ब्रोकली की क्या? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। और इसकी भी कम से कम आप 10 किलो तक देते या? ये तो जितना ज़रूरत के हिसाब से, 1 किलो से लेके 1 मन तक दे दें। अच्छा 1 किलो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या पालक? वो साग है। साग है, उसकी क्या हिसाब है? वो भी ऐसे ही, वो 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो। ₹10 किलो के हिसाब से। अच्छा ये चुकंदर क्या हिसाब है? ये 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो है। कम से कम कितना ले सकते हैं इसमें? जितना आपका दिल करे आप। 1 किलो से भी ले सकते हैं? 1 किलो नहीं मिलता है इधर, 5 किलो। वही कम से कम 5 किलो से मिलता है। हाँ ठीक है। और ये क्या चीज़ है? सरसों। ये सरसों है हैदराबाद। ये कितने रुपये किलो है? ये भी 10-12-20 रुपये किलो ऐसे दिखता है। 10-12-20 रुपये किलो है। और वो क्या? शलजम के हिसाब से? शलजम 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। कितने रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हो अदरक? अदरक दे रहे 170 रुपये किलो के हिसाब से। 170 रुपये। कम से कम कितना देते हो? किलो का हिसाब है ना, 1 किलो भी दे देते हो? 1 किलो भी दे देते हैं। अच्छा, और ये 5 किलो लहसुन 140-150। 150 रुपये किलो है। 150 भी है, 40 भी है। अच्छा लहसुन 140-150 रुपये किलो जी। ठीक है, अदरक बैंकॉक, ये बैंकॉक का है? हाँ बैंकॉक। अच्छा। बैंकॉक अदरक 130 भी है, 140 भी है। अच्छा इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये छिलक है, ये चाइना है। ये चाइना है? हाँ क्वालिटी अलग है। और ये बैंकॉक है? ये बैंकॉक। इसके कितने रेट बताए थे आपने? ये ना कि इसको देसी बना लो, ऐसे कर लो। अच्छा इसके कितने रेट बताए थे चाइना वाले के? 170-160 किलो के। किलो ये ना कि 160 का रेट भी है, 170। अच्छा कितने रुपए किलो के हिसाब से? पेटी वाला 50 रुपये किलो, कट्टे वाला 100 रुपये किलो। वो 100 रुपये किलो है ये कट्टे वाला, पेटी वाला 50 रुपये, कट्टे वाला है ना ये बड़ा। ये बड़ा नहीं है, ये असल नींबू है, वो चाइना है। जो चाइना है ये असल है? ये किस जगह से लाते हैं, पंजाब से? नहीं, ये सिंध का है, वो पंजाब का है। ये सिंध का असल वाला। ठीक है, ये 100 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हो। और ये कम से कम कितना थैले में कितने किलो होगा? ये 6 किलो। 6 किलो का ये थैले के हिसाब से देते हो? नहीं नहीं, किलो के हिसाब, किलो के हिसाब से देते। 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो। कम से कम कितना देते हो ये? कम से कम 15 किलो।
15 किलो अगर कोई लेने आए तो 15 किलो देते हो? अच्छा, 15 रुपए किलो के हिसाब से 15 किलो देते हो? नहीं नहीं, 5 किलो 10 किलो जितना कोई मांग रहा है उतना देते हैं। तो जितना मांग रहे, 1 किलो भी मांग रहे उतना भी दे दोगे? देते हैं। ठीक है ठीक है। वही मटर क्या हिसाब है? मटर 2500 रुपए किलो। 2500 रुपए किलो। ये किस जगह का है? पंजाब गया। 20 रुपए किलो है गाजर? 20 रुपए किलो। और ये फूल गोभी? फूल गोभी 30 रुपए किलो। 2 किलो 50 का। मटर का क्या? मटर 40 रुपए किलो। 25 रुपए किलो। और ये थैले में क्या? 5 किलो का? ये बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा है। ये बड़ा है, 13 किलो का है। अच्छा, रुपए किलो के हिसाब से ले लो करेला। ये करेला 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। 50 का लगा देंगे। 50 का लगा दोगे? ये होलसेल रेट है आपका? होलसेल रेट है ये। कितने किलो देते हैं कम से कम? कम से कम 3 किलो 4 किलो। 3 किलो से स्टार्ट करते हो? ठीक है। और ये खीरे का क्या रेट है? खीरा 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। ये भी 3 किलो से स्टार्ट करते हो? ये आ जाते हैं किलो, 2 किलो वाले आ जाते हैं। किलो 2 किलो भी दे देते हैं? नहीं देते, क्या करें, दुकानदार ही है। ये तो बैंगन ही है। इसका क्या किलो? ये 15। 15 रुपए किलो। ये क्या दर्जा अव्वल नहीं है? दर्जा अव्वल नहीं है? नहीं, वो खत्म हो गया। अच्छा, ये शिमला मिर्च? शिमला 60 रुपए। 60 रुपए किलो। चालीस रुपये किलो है। ये किलो भी ले सकते हैं कोई बंदा? आप होल सेलर नहीं हो? होल सेलर हो। 40 रुपये का इसका रेट है आपका? 40। और उस मिर्च का? उसका भी 40। वो किसकी, मलीर की? वो दूसरा है, सबज मिर्ची। सबज मिर्ची मलीर वो। ये मलीर की 40। ये 40 है। और ये वाली? ये चैंटी कट है। ये चैंटी कट तेरा वाले 20 रुपए किलो है। चैंटी कट वो 20 रुपए किलो। और लाल वाला 40 है? अरे लाल वाला 40। नहीं है मेरे पास कुछ, हम तो चैंटी कट बचा बोला। 100 रुपए किलो। और ये 40। ठीक है, 40 प्राइस भी। और ये 40 है। 30 रुपए दे रहे हैं। नॉर्मल नहीं है ना ये, जो होती है थोड़ी छोटी होती है। ये बड़ी हरी है। अच्छा, ये 60 है मेरे भाई। अच्छा, कितने रुपए किलो? ये 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। बीस रुपए किलो है। तो कम से कम आप कितना माल देते हो कस्टमर को? हम रेस की बेचते हैं। हाँ, रेस की जितना कस्टमर मांगते होते हैं उसके हिसाब से देते हैं, जितना मांगते हो। गैस की क्या बता रहे हो? ये कितने रुपए किलो है? 70 रुपए किलो। 15 रुपए किलो। और ये कम से कम 1 किलो दे दे दो। 1 किलो कर लो 20 रुपये दे देना। अच्छा, वैसे 15 रुपये किलो अगर ज़्यादा लेते। 2 किलो कर लो 30 रुपये दे। 20 रुपये किलो। अच्छा, ये इतना ही रेट है या इससे कम की भी है? इससे कम है। इससे कम वाली कौन सी है? इसके कितने बोल लो? 15। ये 15 रुपये किलो। वो 20 है। 120 किलो का वो थे। अच्छा, एक बोरी की क्या कीमत है आलू का? हाँ, 1200। 1200 ठीक। कीमत कितनी बताइए? 1070। 1100 1070 का है।
ठीक है, ये इसकी 1100 से 1070 तक कीमत है।